आज श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर टीडी कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय से जेल तक पदयात्रा निकाली और राजशाही के खिलाफ संघर्ष कर शहीद हुए श्रीदेव सुमन को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यूके लाइव के लिए ज्योति डोभाल की रिपोर्ट। एक्चुअली जो श्रीदेव सुमन जी कांग्रेस की संविधान की भारत की आज़ादी के आंदोलन की विचारधारा से निकले थे। आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान रहा, उसके बाद राजशाही के खिलाफ उनका आंदोलन रहा, तो ये तो हमारी पदयात्रा है, हमारा तो फर्ज बनता है कि हमारी विचारधारा से, उनकी विचारधारा से हम लोग आज यहाँ चल रहे हैं। और उनकी विचारधारा को आज जब ऐसा समय आ गया है कि उनकी विचारधारा को, उस आंदोलन की विचारधारा को ख़त्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो आज बहुत ज़रूरी है कि एक आम कांग्रेसजन, एक आम नागरिक स्वतंत्रता के संग्राम से भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज बाहर निकल कर आए और ये राजशाही और जो हिटलरशाही चल रही है इसके खिलाफ सड़कों पर आए। और हम तो बल्कि पूछना चाहते हैं कि आज जो हमारी सांसद महोदय हैं वो भी बताएं कि वो कहाँ श्रीदेव सुमन जी को श्रद्धांजलि दे रही है, हमें भी कुछ पता चले। हम लोगों का पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य था श्रीदेव सुमन जी, जिन्होंने टिहरी की रियासत से आज़ादी दिलाई है और आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हमने उनके बलिदान दिवस पर आज ये पदयात्रा निकाली है और उनकी पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। देखिए, टिहरी रियासत के खिलाफ जिन्होंने एक ऐतिहासिक जन आंदोलन किया, 84 दिन की भूख हड़ताल और टिहरी के उन तमाम दबे कुचले लोगों को जो है उत्साहित करने का काम किया, मार्गदर्शन देने का काम किया, जो टिहरी के राजा के अत्याचार से अन्याय से प्रताड़ित थे, आज उनकी पुण्यतिथि है श्रीदेव सुमन जी की। उस महान आत्मा को हम सब लोग पहले कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करना चाहेंगे। आज हमने कांग्रेस कार्यालय और जिला कांग्रेस के अपने नेतृत्व में एक हमने पैदल मार्च निकालने का काम किया, कार्यालय से लेकर जेल श्रीदेव सुमन जी जेल कारागार नहीं थी वहाँ तक, एक संदेश देने का हमने काम किया कि आखिरकार टिहरी के उन तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, उन तमाम आने वाली पीढ़ी को कि आखिर कहाँ हमारा चिंतन और मनन कहाँ खो गया है कि एक तरफ तो हम लोग श्रीदेव सुमन की जयंती मनाते हैं, कभी हम 25 मई को उनकी जन्म शताब्दी मनाते हैं, पुण्यतिथि भी हम लोग मनाते हैं, और दूसरी तरफ हम उसी परिवार को अपना जो है प्रतिनिधि बनाते हैं, उसी परिवार को हम अपना जो है जो हमारा जन्मत है उसको उनको सौंप देते हैं और वो आज भी हमारा नेतृत्व करें, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ लिखा हुआ, किस परिपाटी में लिखा हुआ है। तो हम ये पदयात्रा का उद्देश्य आज हमारे था कि टिहरी रियासत की जो जनता है, टिहरी उत्तरकाशी की जो जनता है, आने वाली नौजवान पीढ़ी, उत्तराखंड प्रदेश को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का जिन्होंने अन्याय और अत्याचार किया, आज वही हमारे नेता बने, वही हमारे आज संरक्षक बने, वही हमारा लोकसभा जो सबसे बड़ी संसद है देश की, उसमें आज नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ हम एक बिगुल बजाना चाहते हैं और इस महान योद्धा को याद करना चाहते हैं और आने वाली जो पीढ़ी खासकर उनको भी हम एक संदेश देना चाहते हैं कि उनको जो अपने ऐतिहासिक पुरुष हैं, जो हमारे ये राज्य आंदोलनकारी हैं, देश की क्रांतिकारी हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ें, उनके बारे में जानें और उनको स्मरण जो है आगे बढ़ाएं।